तो दोस्तों, इस साल का वन ऑफ द बेस्ट 4K स्मार्ट टीवी जो कि इंडिया में लॉन्च होने वाला है अगले ही हफ्ते, और वो भी एक्सेल साइजेस में, यानी कि 50 से 65 इंच के साइजिंग में, और वो भी Redmi की ब्रांडिंग के साथ। जी हाँ दोस्तों, Redmi X सीरीज की बात करने वाले इस वीडियो में, और ये टीवी आपको दिख जाएगा 4K अल्ट्रा HD डिस्प्ले के साथ, और साथ ही साथ इसमें आपको दिख जाएगा HDR10+ का फीचर, वो भी 8 लाख पिक्सल्स यानी कि Dolby Vision के साथ। और दोस्तों, इसमें आपको कई अमेजिंग फीचर्स दिख जाएंगे, जैसे कि आपको दिख जाएगा 30 वॉट के साउंड स्पीकर्स, वो भी डॉल्बी ऑडियो के साथ, और इसमें आपको साउंड अमेजिंग एक्सपीरियंस मिलेगा EARC और DTS वर्चुअल X के साथ, और इसमें आपको USB सपोर्ट और HDMI 2.1 के साथ साथ पैच वॉल का एक्सपीरियंस भी मिल जाएगा, जो कि Xiaomi का बहुत ही अमेजिंग फीचर है, और काफ़ी अमेजिंगली आप कंटेंट को व्यू कर सकते हैं इस टीवी में। और स्मार्ट टीवी के साथ साथ आपको MI होम ऐप का भी कंट्रोल फीचर मिल जाएगा एंड्रॉयड TV 10 के साथ, और इस पैच वॉल के एक्सपीरियंस को आप कंट्रोल कर सकते हैं पूरे MI के सराउंडेड TVs के साथ। और ये तीनों TVs आपको दिख जाएंगे 50 इंचेस, 55 इंचेस और 65 इंचेस में, और वो भी Amazon की सेल में। तो इस वीडियो को दोस्तों बिल्कुल एंड तक देखिएगा, इस वीडियो में हम सारे फीचर्स डिस्कस करने वाले हैं MI TV के। जी हाँ दोस्तों, MI TV X सीरीज जो कि इंडिया में अराउंड 25th और 26th मार्च को सेल लगने वाली है, और इसमें आपको Amazon के कई डिस्काउंट ऑफर्स भी मिल जाएंगे जो मैं वीडियो के एंड में आपको डिस्कस करके बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको दोस्तों बताना चाहूंगा कि अगर अभी तक आपने टेक मंजिल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर दीजिए, क्योंकि ये चैनल आपको वन ऑफ द बेस्ट बजट प्रोडक्ट्स के रिव्यूज लाके देगा, वो भी ऑन टाइम YouTube पे सबसे पहले, और वो भी दोस्तों बिल्कुल ही किसी बायसनेस के बिना, किसी कंपनी की स्पॉन्सरशिप के बिना, हम आपको बिल्कुल ऑनेस्ट रिव्यू देंगे इस चैनल पे। और इस टीवी में मैं सारे प्रोज और कॉन्स भी बताने वाला हूँ, और जैसी इस टीवी की सेल लाइव होती है हम ट्राई करेंगे अपने पैसों से इस टीवी को ऑर्डर करने का, और इसकी अनबॉक्सिंग वीडियो भी बनाएंगे, जिस तरह से हमने LG के 55 इंच की टीवी की अनबॉक्सिंग वीडियो बनाई थी सबसे पहले YouTube पे, जिस पे आपने बहुत ज्यादा प्यार दिया है, और आई बटन पे आप जाके चेक भी कर सकते हैं हमारी बेस्ट बजट प्रोडक्ट्स प्लेलिस्ट में जाके। तो दोस्तों, जल्दी से हम डिस्कस करते हैं कि ये टीवीज आपको किस सीरीज के नाम से देखेंगे, क्या क्या साइजेस में देखेंगे, इसके क्या क्या फीचर्स होने वाले हैं, बाकी टीवी से इसके क्या कंपैरिजन होंगे, क्या प्रोज और कॉन्स होंगे, और किस प्राइस में टीवी आपको दिख जाएंगे। तो सबसे पहले दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि इन टीवी की सीरीज का नाम है Redmi X सीरीज। जी हाँ दोस्तों, इसमें आपको तीन टीवीज दिख जाएंगे दोस्तों। सबसे पहला टीवी होने वाला है 50 इंचेस का, जिसका ब्रांड नेम होगा X50, और दूसरा टीवी आपको दिखने वाला है 55 इंचेस का, जो कि X55 होने वाला है, और तीसरा टीवी आपको दिखने वाला है X65, जो कि 65 इंचेस के डिस्प्ले के साथ होने वाला है। और दोस्तों, इसकी प्राइस रेंज बहुत ही अग्रेसिव है, और वन ऑफ द बेस्ट प्राइसिंग के साथ इंडिया में टीवीज लॉन्च होने वाला है, और वन ऑफ द बेस्ट फीचर्स के साथ, जो कि आपको 4K टीवी का एक्सपीरियंस देंगे। और मैं वीडियो के स्टार्टिंग में ही आपको बता दूं दोस्तों कि ये 32,000 से स्टार्ट होता हुआ दिख जाएगा आपको टीवी, और वो भी 4K एक्सपीरियंस, और इसके जो अमेजिंग फीचर्स हैं वो आप सुन के हैरान रह जाएंगे, और वीडियो के एंड में मैं इंडिविजुअल टीवीज के भी आपको प्राइस डिटेल में बताऊंगा। तो सबसे पहले दोस्तों, हम इसके डिस्कस कर लेते हैं फीचर्स। तो सबसे पहली बात दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि इन तीनों ही टीवीज के फीचर्स सेम है, बस मेजर डिफरेंस इन टीवीज में यही है कि इनके साइज का। और हो सकता है दोस्तों, मैं पहले ही वीडियो के पहले आपको बता दूं कि इसमें आपको जो कॉन्स हैं, यानी कि जो डिसएडवांटेज है, वो ये हैं कि इनके लॉन्च इवेंट पे स्पेशली इनके जो प्रोडक्ट मैनेजर है, इन्होंने बताया था वर्ल्ड वाइड कोविड की वजह से पैनल्स की कमी होने के कारण हो सकता है आपके टीवीज में डिफरेंट पैनल्स देखने को मिले। जी हाँ दोस्तों, आपको IPS डिस्प्ले का पैनल भी दिख सकता है, LCD डिस्प्ले का पैनल भी दिख सकता है, तो उसकी आपको कोई भी अश्योरिटी मैं अभी नहीं दे सकता कि कौन सा पैनल आपको दिख जाएगा। तो इसीलिए दोस्तों, हो सकता है हम अनबॉक्सिंग वीडियो बनाए तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि उसके बाद हम सारी डिटेल्स बहुत ही अच्छे से आपको बताएंगे कि आपको किस टाइप का पैनल और किस क्वालिटी में आपको देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं हम फीचर्स डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसा हमने बताया दोस्तों, इस टीवी की सबसे बड़ी खासियत जो है वो है एक्सेल व्यूइंग एक्सपीरियंस। जी हाँ दोस्तों, ये सारे टीवीज कोई आपको 32 इंचेस या 43 इंचेस के साइज में नहीं दिखने वाले, आपको अबव 50 इंचेस के साइज में दिखेंगे, लेकिन इसकी जो प्राइसिंग आई है दोस्तों, वो LG और Samsung के जितने भी स्मार्ट टीवीज 43 इंचेस और 32 इंचेस के प्राइस में मिलते हैं, उतनी प्राइस में और उससे भी बेटर फीचर्स के साथ आई है दोस्तों। और दोस्तों, अगर आप इसका ऑफिशियल Amazon पेज, यानी कि जो इसकी ऑफिशियल सेल पेज है, जिस भी दिन ये आपकी सेल आने वाली है, उसके ऑफिशियल पेज का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जो कि Amazon के ऑफिशियल पेज पे आपको ले जाएगा, और वहां पे आप चेक कर सकते हैं कि सेल का एग्जैक्ट डेट Amazon पे कब है और किन किन वेरियंट्स में आपको अवेलेबल है, और उसमें आप नोटिफाई मी पे भी क्लिक कर सकते हैं ताकि आप वो सेल मिस ना करें और ये टीवी को टाइमली बाय कर पाए। बाकी दोस्तों, अगर इस वीडियो को बहुत ज्यादा प्यार मिला, यानी कि आप इसको 500 से ज्यादा लाइक्स दे देते हैं, तो इस वीडियो के
बाद में आपकी सेल से पहले भी एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें अपना ऑनेस्ट रिव्यू बताऊंगा कि क्या ये टीवी आपको लेना वर्थ इट है या नहीं। लेकिन दोस्तों इस वीडियो में जो मैं आपको फीचर्स बताने वाला हूँ उसके एंड में आपको इसका आंसर खुद ही मिल जाएगा कि ये टीवी लेने लायक है या नहीं। तो दोस्तों जल्दी से मैं आपको बता देता हूँ, जैसा मैंने आपको बताया ये एक्सेल व्यूइंग एक्सपीरियंस के साथ आपको दिख जाता है टीवी, और इसमें आपको HDR 10 प्लस यानी कि 4K डिस्प्ले के साथ आपको ये टीवी दिख जाता है, और इसमें आपको डॉल्बी विजन का भी फीचर मिल जाता है जो आपके व्यूइंग एक्सपीरियंस को और भी ज़्यादा इन्हांस कर देता है, और HDR 10 प्लस के व्यूइंग डिस्प्ले आपको और भी ज़्यादा बेटर व्यूइंग और अपस्केलिंग करके देते हैं। और दोस्तों इसमें आपको HLG यानी कि हाइब्रिड लॉग गामा का भी डिस्प्ले मिल जाता है जो कि आपके व्यूइंग एक्सपीरियंस को और भी ज़्यादा ब्राइट और इन्हांस बना के देता है, और इसमें आपको रियलिटी फ्लो यानी कि रिफ्रेश रेट 60Hz का जो कि आपके व्यूइंग एक्सपीरियंस को और भी ज्यादा स्मूथ और इजी टू वॉच बनाता है, जो कि काफी अच्छे फीचर्स हैं। दोस्तों ये कई फीचर्स आपको अच्छे ब्रांडेड टीवीज में भी नहीं मिलते जो कि रियलिटी फ्लो और HLG के फीचर्स हैं। और दोस्तों इसमें वाइट कलर गेमट भी मिलता है जो कि आपके कलर्स के जो वाइड रेंज है वो इंक्रीज कर देता है, और आपको ज्यादा व्यूइंग कलर्स मिलते हैं इस टीवी के पिक्सल्स में। और इसमें 85% तक का NTSC है और 92% तक का DCI-P3 है जो कि इसके जो डिस्प्ले क्वालिटी है वो और भी ज़्यादा इन्हांसिंग बना देता है। तो ये सारे फीचर्स दोस्तों डिस्प्ले को बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग बनाते थे, लेकिन इसमें MI ने बिना कमी किए हुए आपको विविड पिक्चर इंजन भी दिया है जो कि वन ऑफ दी बेस्ट क्वालिटी पिक्चर इंजन माना जाता है, और व्यूइंग एक्सपीरियंस को आपके बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग बना देता है। तो दोस्तों इसका अगर कंपैरिजन किया जाए बाकी ब्रांड्स के टीवी के साथ, तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं इस टीवी में हमने डिस्प्ले का कंपैरिजन किया है ऑन द बेसिस ऑफ विविड पिक्चर इंजन, डॉल्बी विजन, HDR 10 प्लस, HDR 10 और HLG के, और ये बाकी के फीचर्स हमने कंपेयर किए हैं टॉप ब्रांडेड टीवीज के साथ जैसा कि आप इधर देख सकते हैं। तो MI आपको कोई भी कमी नहीं दे रहा दोस्तों इन फीचर्स में, और आपका व्यूइंग एक्सपीरियंस काफी ज्यादा अमेजिंग होने वाला है डिस्प्ले के मामले में। तो दोस्तों अब जल्दी से आगे चलते हैं इसकी साउंड क्वालिटी कैसे होने वाली है। तो जैसा कि आप जानते ही होंगे कि नॉर्मल टीवीज में आजकल आपको ट्रेंड दिख रहा होगा कि हर टीवी आपको चाहे वो 50 इंचेस का हो, 65 इंचेस का हो या 43 इंचेस का हो, सारे टीवीज में आपको 20 वॉट्स के स्पीकर्स दिखते थे। लेकिन दोस्तों MI ने ये आपकी बेंचमार्क ब्रेक करते हुए 30 वॉट के स्पीकर्स आपको प्रोवाइड किए हैं जो कि 15-15 वॉट्स के दोनों साइड स्टीरियो स्पीकर्स दिए हुए हैं जो कि आपकी डॉल्बी ऑडियो को भी सपोर्ट करते हैं, और साथ ही साथ 360 सराउंड साउंड देते हैं जो कि आपकी साउंड बार्स में प्रोड्यूस होती हैं। और दोस्तों DTS HD का भी साउंड एक्सपीरियंस आपको मिल जाएगा, और जो कि DTS वर्चुअल एक्स के साथ आपकी साउंडिंग एक्सपीरियंस को इनहांस करके डॉल्बी ऑडियो आपको प्रोवाइड करेगा। तो दोस्तों सबसे बड़ी बात, कई टीवीज आज के टाइम पे भी जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है साउंड सरपासिंग की जो कि EARC माना जाता है, वो भी फीचर इस टीवी में आपको दिख जाता है जो कि बाकी कई ब्रांडेड टीवीज में आपको नहीं दिखता। ऑल्दो इसका यूज दोस्तों अभी इतना नहीं है तो इसीलिए मैं इसमें ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, अगर आप फिर भी इसके बारे में डिटेल वीडियो चाहते हैं तो नीचे आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं इसकी डिटेल वीडियो बना दूंगा। तो दोस्तों इसमें आपको EARC भी मिल जाता है और डॉल्बी एटमोस के फीचर्स तो जैसा मैंने आपको बताया मिल ही जाते हैं। तो अब ऑडियो कंपैरिजन अगर हम बाकी ब्रांड्स के साथ करें, जैसा आप स्क्रीन पे देख सकते हैं इसमें हम कंपैरिजन करेंगे इन स्पीकर्स की पावर के बेसिस पे, डॉल्बी ऑडियो के बेसिस पे, DTS HD, DTS वर्चुअल एक्स और डॉल्बी एटमोस के बेसिस पे। तो जैसा आप स्क्रीन पे देख सकते हैं मेजॉरिटी ब्रांड्स अराउंड 20 वॉट्स के स्पीकर प्रोवाइड करते हैं, लेकिन MI का ये Redmi स्मार्ट टीवी X सीरीज जो है वो आपको 30 वॉट तक के स्पीकर्स देता है, और ये सारे फीचर्स ही आपके साउंड एक्सपीरियंस को बहुत ही ज्यादा अमेजिंग बना देते हैं। और दोस्तों अब हम जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं कि इसके आपको और क्या क्या फीचर्स मिल जाएंगे जो कि आपको बाकी टीवीज के कंपैरिजन में इस टीवी को स्टैंड आउट करते हैं। तो दोस्तों सबसे बड़ी बात तो जो है वो है इसका पैच वॉल एक्सपीरियंस। जी हाँ दोस्तों MI का स्टैंडर्ड पैच वॉल एक्सपीरियंस आपके टीवी एक्सपीरियंस को काफ़ी ज़्यादा इजी और अमेजिंग बना देता है, जिससे आप इजीली कंटेंट को ढूंढ सकते हैं और ऑप्टिमाइज कर सकते हैं अपने टीवी एक्सपीरियंस को बड़ों के लिए भी और बच्चों के लिए भी, जिसमें आपको किड्स मोड का एक्सपीरियंस भी दिख जाता है। और दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है इस बार MI ने स्पेशली डॉल्बी के साथ पार्टनरशिप करके इसमें आपको साउंड एक्सपीरियंस और इमेज एक्सपीरियंस दोनों ही आपको हाई स्टैंडर्ड का यानी कि डॉल्बी एटमोस विजन और ऑडियो के साथ आपको प्रोवाइड किया है। और इसमें जो आपको पैच वॉल मिल जाती है उसमें आपको यूनिवर्सल एक्सेस मिल जाता है 25 प्लस एप्स के साथ। जी हाँ दोस्तों, और इसमें आपको प्ले स्टोर का भी एक्सपीरियंस मिल जाएगा क्योंकि ये एंड्रॉयड 10 पे आ जाता है टीवी। जी हाँ दोस्तों, एंड्रॉयड 10 का लेटेस्ट वर्जन पे टीवी रन करता है,
जिसमें आपको हजारों ऐप्स का एक्सपीरियंस मिल जाएगा और आपको डिफरेंट लैंग्वेजेस में भी आप कंटेंट को एक्सेस कर सकते हैं पैच वॉल में, और साथ ही साथ आप ऑपरेटिंग सिस्टम इसका काफ़ी इजीली और स्मूथली इंजॉय कर पाएंगे। तो जल्दी से अब इसका कंपैरिजन कर लेते हैं, इसका यूजर एक्सपीरियंस यानी कि ओएस का कंपैरिजन कर लेते हैं बाकी ब्रांडेड टीवी से। तो जैसा आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, इस कंपैरिजन को हमने किया है ऑन द बेसिस ऑफ इसका पैच वॉल, यूनिवर्सल सर्च, किड्स मोड, यूजर सेंटर, लैंग्वेज यूनिवर्स, इंडियाज टॉप 10 लाइव टीवी और ऑपरेटिंग सिस्टम। तो दोस्तों इन सभी का कंपैरिजन आप स्क्रीन पे डिटेल में देख सकते हैं, जिसका हमने टॉप ब्रांडेड टीवी से कंपैरिजन किया है, और यहाँ पे सभी चीज़ों में एमआई का ये टीवी सारी चीज़ों पे खरा उतरता है और काफ़ी बेटर एक्सपीरियंस आपको बाकी टीवी से दे देता है। तो दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है, इसमें आपको सारे ऐप्स का एक्सपीरियंस मिल जाएगा जो कि इंक्लूड करती है नेटफ्लिक्स, अमेज़ॉन प्राइम, हॉटस्टार, यूट्यूब, सारे टॉप ऐप्स आपके इंक्लूडेड हैं जो कि आप आराम से इसमें डाउनलोड करके देख सकते हैं। और एमआई काफ़ी अमेजिंग ऑफर्स भी दे रहा है दोस्तों आपको ओटीटी और डिस्काउंट के भी, जो कि वीडियो के एंड में मैं जल्द ही डिस्कस करने वाला हूँ। तो दोस्तों इसमें अगर डिटेल में जाए तो आपको क्रोमकास्ट भी बिल्ट इन मिल जाता है, जिससे आप इजीली फोटोज और वीडियो शेयर कर सकते हैं टीवी से आप कनेक्ट करके अपने फोन को, और 5000 प्लस एप्स और गेम्स का एक्सेस आपको मिल जाता है। और दोस्तों इसमें आपको ब्लूटूथ का 5.0 वर्जन मिल जाता है जो कि BLE के साथ आ जाता है, और इसमें आपको दोस्तों 2x यानी कि 2x मल्टी इन मल्टी आउट वाईफाई डुअल बैंड मिल जाएगा, जो कि बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस देगा आपके वाईफाई कनेक्टिविटी और स्पीड में, जो कि आज के टाइम पे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और इसमें आपको कई और अमेजिंग फीचर्स दिख जाएंगे, जैसे कि आपको क्विक वेक फीचर दिख जाएगा जो कि आपका 5 सेकेंड्स में टीवी को ऑन या ऑफ करने का फीचर देता है, और क्विक म्यूट का भी फीचर मिल जाएगा जिससे आप टीवी को इजीली म्यूट कर सकते हैं डबल प्रेस करके अपने रिमोट के वॉल्यूम बटन को। और दोस्तों ये जो क्विक फीचर्स हैं आपके रिमोट में बाकी एमआई के टीवी से ये नया फीचर है, बाकी पुराने एमआई टीवीज में ये सब फीचर्स नहीं थे, और इसी वजह से एमआई ने एक और फीचर अपग्रेड किया इसमें आपको क्विक सेटिंग्स का फीचर देके। जी हाँ दोस्तों, एमआई में पहले ये ड्रॉबैक था, जैसे मेरे पास खुद एक एलजी का स्मार्ट टीवी है 55 इंचेस का, जिसकी वीडियो मैंने चैनल पर बना रखी है, आप चेकआउट कर सकते हैं। उस टीवी में इजीनेस ये थी कि हम आराम से किसी भी सेटिंग्स को खोल सकते थे, वो भी टीवी के रन होने होते होते, और उसके ऊपर आपकी सेटिंग्स आती थी और आप इजीली उसको चेंज कर सकते थे, और क्विकली वो सेटिंग्स आप चेंज कर सकते थे, आपको अलग से मेन्यू में जाके डिसाइड नहीं करना पड़ता था क्या क्या सेटिंग्स आपको देखनी है। तो इसमें आपको वो क्विक सेटिंग्स फीचर्स दोस्तों अब मिल जाता है जो कि पहले पुराने एमआई टीवीज में नहीं मिलता था। और दोस्तों अगर प्रोसेसर की बात करें तो इसमें क्वाड कोर A55 का प्रोसेसर मिल जाता है जो कि माली G52MP2 के फीचर के साथ आ जाता है, और 2GB रैम के साथ इसमें आपको दिख जाती है 16GB तक की स्टोरेज। जी हाँ दोस्तों, 16GB तक की स्टोरेज आपको तीनों वेरियंट्स में दिख जाएगी, चाहे वो 50 इंचेस का हो या 65 इंचेस का हो, सारे टीवीज के फीचर्स सेम है, जस्ट डिफरेंस इज साइज। जी हाँ दोस्तों, सारे टीवीज के फीचर्स सेम है। और दोस्तों अब अगर पोर्ट्स की बात करें तो इसमें आपको 3 HDMI 2.1 के पोर्ट्स दिख जाएंगे, और एक आपको ऑप्टिकल आउट का पोर्ट दिख जाएगा, 2 USB पोर्ट्स दिख जाएंगे, और आपको दिख जाएगा एक 3.5mm का ऑडियो जैक। जी हाँ दोस्तों, 3.5mm का ऑडियो जैक भी मिल रहा है आपको इस टीवी में, जो कि ज़्यादातर यानी कि 90% टीवीज में प्रॉब्लम है कि उसमें 3.5mm का ऑडियो जैक नहीं है। और अगर बात करें इन पोर्ट्स के साथ साथ आपको EARC का फीचर मिल ही जाता है, जो कि लो लेटेंसी मोड को भी आपको एक्टिव रखता है। तो दोस्तों अगर कंपैरिजन करें कि इसमें पोर्ट्स के हिसाब से भी, तो जैसा आप स्क्रीन पे देख सकते हैं बाकी टीवी से हमने कंपैरिजन किया ऑन द बेसिस ऑफ HDMI 2.1, EARC और ALLM, तो इन सबसे आपका टीवी काफ़ी ज़्यादा बेटर है, और वो भी काफ़ी एग्रेसिव प्राइस में। तो दोस्तों अगर ड्यूरेबिलिटी की बात करें तो इस टीवी में आपको मैकेनिकल स्ट्रेंथ मिल जाती है जो कि ट्रांसपोर्ट डैमेज को बचाता है, रिलायबिलिटी मिल जाता है डिफरेंट स्टोरेज एनवायरनमेंट्स में, स्टेबल प्रोडक्ट मिल जाता है एक्चुअल ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट्स में, और कस्टमर सेफ्टी तो आपको मिल ही जाती है क्योंकि इतने ज़्यादा आपके 20+ क्वालिटी टेस्ट किए गए हैं, 750+ सर्विस सेंटर्स हैं एमआई के, जो कि आपके यूजर एक्सपीरियंस को काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग बना देता है। तो दोस्तों अब जल्दी से मैं आपको समराइज करते हुए सारी वीडियो का सॉल्यूशन बताता हूँ। इधर आप सामने देख सकते हैं बाकी ब्रांड से कंपेयर किया गया है इस टीवी को, और हर फीचर पे दोस्तों एमआई वन ऑफ द बेस्ट 4K स्मार्ट टीवी निकल के आ रहा है, और इन टीवीज को दोस्तों आप इजीली कंपेयर कर सकते हैं बाकी के ब्रांडेड टीवी से। तो दोस्तों इनका मैं जल्दी से आपको प्राइस बता देता हूँ, क्योंकि हम टू द पॉइंट बात करते हैं दोस्तों, बिल्कुल एग्जैक्टली मैं आपको ओरिजिनल प्राइस बताऊंगा और किस दिन इसकी सेल है वो सारी चीज़ें बताऊंगा। लेकिन उससे पहले दोस्तों आप हमारी मेहनत के लिए इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिए, और आशा करते हैं आप 500 से ज़्यादा लाइक्स का टारगेट अचीव करवा देंगे, और उसके साथ ही अगर आपके मन में कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए हमसे, हम आपका 24 आवर्स के अंदर अंदर डाउट सॉल्व करने का ट्राई करेंगे। और दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ इसके जो टीवी के वेरियंट्स हैं, सबसे पहला वेरियंट जो है
X65। जी हाँ दोस्तों, 65 इंचेस का जो स्मार्ट टीवी है वो है सबसे महंगा 57,999। लेकिन दोस्तों अगर आप इसको महंगा कह रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि 65 इंचेस के जितने भी बाकी ब्रांड्स के टीवी हैं वो अराउंड 80-85,000 प्लस के हैं। जी हाँ दोस्तों, उससे ऊपर के ही हैं। और MI ने आपको Redmi X65 सिर्फ 57,999 रुपीज में दिया है। और जो दूसरा टीवी है दोस्तों वो है MI का X55 इंचेस। जी हाँ दोस्तों, 55 इंचेस का ये स्मार्ट टीवी आपको दिख जाएगा 38,999 रुपीज में, जो कि वन ऑफ द बेस्ट प्राइसिंग पे है दोस्तों। 38,999 में एक 55 इंच का टीवी आपको मिल रहा है, वो भी Redmi ब्रांडिंग के साथ और इतने अमेजिंग फीचर्स के साथ, तो ये बहुत ही अमेजिंग टीवी है दोस्तों। और जो तीसरा टीवी है, जो वन ऑफ द सबसे सस्ता टीवी इस बजट में, वो है 32,999 का Redmi X50। जी हाँ दोस्तों, 50 इंचेस का सबसे सस्ता टीवी है 32,999। और मेरी रिकमेंडेशन आपके लिए यही रहेगी कि आपको अगर ये टीवी लेना ही है तो X50 लीजिए, क्योंकि ये वन ऑफ द बेस्ट टीवी है इस प्राइस रेंज में और सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट रहेगा अगर आप एक बड़ा टीवी लेना चाहते हैं तो। तो दोस्तों ये मैंने सारी डिटेल्स अब आपको प्राइसिंग की बता दी। अब मैं सेल की डिटेल्स बता देता हूँ। तो मैंने इसका जो ऑफिशियल Amazon का पेज है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, मैं इधर उधर की हवाई बातें नहीं करूंगा, आप ऑफिशियल Amazon के पेज पे जाके खुद भी चेक कर सकते हैं, इसीलिए लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और इसकी जो सेल है वो 26 मार्च 12 PM को MI.com, Amazon.in, MI Home और MI Studio पे लाइव हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, याद रखिएगा 26 मार्च 12 PM पे। और अगर दोस्तों आप इस वीडियो को बहुत ज़्यादा प्यार देते हैं तो मैं सेल से जस्ट पहले आपके लिए वीडियो ज़रूर लाऊंगा, अपना फाइनल वर्डिक्ट लाते हुए कि क्या ये टीवी वर्थ इट है या नहीं। वैसे आपको इस वीडियो में ओवरव्यू मैंने सारी डिटेल्स बता दी है, अब आप पे डिसीजन मैंने छोड़ा है कि क्या ये आपके लिए बेस्ट टीवी है या नहीं, क्योंकि मैंने इसमें आपको वन टू ऑल सभी फीचर्स बता दिए। और दोस्तों अगर आप जानना चाहते हैं कि क्या डिस्काउंट्स मिल रहे हैं इस टीवी पे, तो इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा कि ICICI बैंक के आपको क्रेडिट और डेबिट कार्ड पर अराउंड 2000 तक का कैशबैक डिस्काउंट मिल रहा है। जी हाँ दोस्तों, आपको डिस्काउंट मिल रहा है, कैशबैक भी नहीं, डिस्काउंट मिल रहा है आपको 2000 रुपीज का अगर आप ICICI बैंक का क्रेडिट या डेबिट कार्ड से पेमेंट करते हैं। तो जो आपका सबसे सस्ता टीवी है वो आपको अराउंड 30,000 में मिल जाएगा दोस्तों, इतने अच्छे प्राइस पे। हो सकता है आगे जाके इस टीवी की प्राइस रेंज बढ़ जाए, तो इसीलिए अगर आप लेना चाहते हैं तो फर्स्ट सेल में इन टीवीज को बाय कर लीजिए। मैंने आपको सारी डिटेल्स बता दी और लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है Amazon के पेज का, वहां जाके आप सारी डिटेल्स चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करिए, नीचे अपना डिसीजन बताइए कि आपको ये टीवी कैसा लगा, और दोस्तों के साथ शेयर करिए। और अगर आपने अभी तक टेक मंजिल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करिए। थैंक यू।